रो, ठीक है। और इधर रहा गुड़, जो कि ताजा ताजा गुड़ फ्रेश फ्रेश बन रहा है। और इधर हरमन भाई भाई इधर ना कर, यानी जो आ जाए थे करिए चाहिए था, बाहर नहीं सोचना, नहीं बाहर नहीं जाएगा कहीं। हमारी जो ना वो बड़ी कमाल की आ चुकी है, तैयार हो चुकी है, ये कह लो कि छक्कर की किस्म होती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी जो टाइम है ना वो तकरीबन हो गया 12 का। तो आज जो ना मौसम बहुत ही प्यारा है, कल हुई थी बारिश, बारिश का पानी देखिए तक छत के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी छत थोड़ा सा ना खराब है, पानी निकलता नहीं है, ये भी ठीक करवाना है वैसे। तो अभी ना मुझे फ्रेंड्स की कॉल आ रही थी कि जाना है थोड़ा सा ना बाहर, कुछ प्रोग्राम वगैरह कुछ चीज़ वगैरह बना ली थी हमने, तो आपको बताएंगे कि क्या चीज़ अगर हमें मिल गई तो आपको लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी कॉल आई थी कि वो लोग किंगरा टोन है, किंगरा टोन से वो लोग निकलेंगे, तो मुझे कहते हैं तुम रोड पर आ जाओ, तो मैं बस अभी रेडी हो गया हूँ, अभी निकलते हैं और देखते हैं कि अभी आगे से क्या सीन है। इधर रहे अपने दाऊद भाई, दाऊद कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। दाऊद मुझे छोड़ने आया घर से, क्योंकि मेरी बाइक घर ही है, मैंने यहाँ से दोस्तों के साथ जाना है गाड़ी पे, तो दाऊद को भी साथ ले थे, लेकिन दाऊद ने वापस जाना है। दाऊद जाना है तो आ जाओ। नहीं नहीं यार वापस जाना। चलो सही है। तो अभी ना दोस्त की कॉल आई थी, तो वो कह रहे थे कि यार पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो इसलिए अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे, तो मैं उनका वेट कर रहा था रोड पर खड़े होके। और अभी साथ ही मैं इधर खेत अपने तो इधर आ गया हूँ, मैंने सोचा चलो इधर खड़े होकर वेट कर लेते हैं, रोड पर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अभी देखते हैं कि उनको पेट्रोल वगैरह मिलता है कि या नहीं मिलता। आजकल ना पेट्रोल का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, पता नहीं महंगा हो रहा है क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसके लिए आवाम को बहुत परेशान होना पड़ रहा है। तो अगर महंगा करना तो कर दे यार, ये क्या रोज़गार है इनका जो ना वो स्यापा लगा होता है। तो खैर अभी हम लोग जो ना वो वेटिंग कर रहे हैं, देखते हैं कि अभी उनका पेट्रोल मिलता है या नहीं मिलता। अगर तो पेट्रोल मिल गया तो फिर तो हम लोग जाएँगे जहाँ हमने जाना है, अदरवाइज अगर पेट्रोल ना मिला तो वो भी मुश्किल हो सकता है। जनाब कोई घंटा डेढ़ वेट करने के बाद ना इधर भाई आ चुके हैं, जो कि पूरा घंटा उन्होंने मुझे वेट करवाया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मिल गया पेट्रोल वगैरह? कितना कुछ चल रहा है जनाब? पेट्रोल पंप किसी से नहीं मिला अभी, टैंकी से लेट हो गए काफी, निकले फिर। अच्छा यार अभी ना हम लोग पहुंच चुके हैं, जैसे कि आपको बताया था कि हम लोग जा रहे हैं कहीं, और वो हम लोग अभी आए हैं कि ये पीछे आपको नज़ारा होगा कि गुड़ बन रहा है, ठीक है। और हरमन भाई है मेरे साथ और दूसरे फरूख भाई हैं, तो फरूख भाई को ना चाहिए था गुड़, तो वो हम लोग लेने आए हैं अभी, ठीक है। ये पीछे गुड़ वगैरह बन रहा है, आपको दिखाते हैं कि जो देसी गुड़ है वो कैसे बन रहा है और इसका क्या तरीका होता है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी अभी जना ऊपर जना वो रखे हुए उन्होंने, अभी देखते हैं कि क्या सीन है यहाँ का। बाकी काफ़ी ज़्यादा जना प्यारा माहौल है, इधर पीछे सूरज जो ना वो गुरूब हो चुका है, गाड़ी हम लोग इधर खड़ी कर दी है, तो देखते हैं अब कब तक हमारे टाइम आता है, ये कड़ा वगैरह बनता है तो उसके बाद गुड़ बनेगा, फिर निकलेगा, फिर मिलेगा, फिर हम लोग वापस जाएंगे। तो टाइम काफ़ी लेट हो जाना, शाम वैसे हो चुकी है। इधर जनाब नीचे आग जलाई हुई है, ठीक है, ऊपर हुआ है कड़ा, और कड़ा के ऊपर जनाब रो, ठीक है। और इधर रहा गुड़, जो कि ताज़ा ताज़ा गुड़ फ्रेश फ्रेश बन रहा है। और इधर हरमन भाई, मुंबई क्या कहेंगे इसके बारे में? सर जी ऑर्गेनिक बेहतरीन सेहत के लिए, महंगी सौगात है, चीनी सस्ती है, गुड़ महंगा, जैसे आपने बोला था उससे ज्यादा अच्छा आपको बेहतरीन माशाल्लाह देखने को मिल रहा है, ये कलर ही बताता है कि बेहतरीन फ्रेश। और इधर अपने नवीद भाई हैं, जो कि ये गुड़ वगैरह की तैयारी वगैरह करवा रहे हैं, तो स्पेशली हम लोग आए नवीद भाई आपके पास कि आपका तुम्हें टेस्ट काफी ज्यादा, हम पहले भी खा चुके हैं गुड़, तो भाई लोग कह रहे थे कि जाना है। अब सामने जो ना वो रो वगैरह गुड़ वगैरह निकाल रहे हैं, ठीक है। और इधर है गन्ने का खेत, जहाँ से ये जो ना फ्रेश गन्ना लेके जाते हैं, उसके बाद आगे जाके तो वहाँ जनाब गुड़ निकालते हैं। अभी हम लोग आए हैं यहाँ से गन्ने लेने, उन गन्नों का बनेगा रो का रस और उससे निकलेगा ताज़ा गुड़ और शक्कर। तो अभी जनाब हम पहुँच चुके हैं गन्ने के खेत में, हमारे पास इसको बोलते हैं दरांतरी, अपने ना बोलते हैं इसको दातरी, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग काटेंगे इधर गन्ना, और अभी हम गन्ना हमें पसंद नहीं आ रहा, वो कहावत है ना कि पंजाबी कहते हैं ना कि गन्ने दे कहते हैं कि पैली चवाड़ जाओ ना तो गन्ना को पसंद नहीं आता, हिसाब ना भी हिसाब हो गया गन्ने बड़े हैं लेकिन पसंद कोई नहीं आ रहा। तो जो हम कोई यह चोरी तो फिर फटाफट फटक लुकी ला देते हैं, खैर हम सही पूछे
वो गन्ना पुटिए तो फिर खाइए तो फिर चलिए गुड़ साढ़ा बंद आता उधर। लो जी गन्ना हमने इधर से जनाब काट ली है, उसको साफ करने थोड़ा सा ठीक है, उसके बाद इसको जनाब रहने अस पिंड चा लेकिन काम साढ़े जड़े पिंड नहीं है देसी तरीके ना हो यार ये चीज। आज आ जाइए जिसने गन्ने चूपने हैं फ्री के गन्ने, आज हमें फ्री का ऑफर मिली है, हम पूरा भरपूर फायदा उठा रहे हैं। है जी देसी गन्ना तो देसी माहौल तो किन्ने किन्ने पसंद ने कमेंट बॉक्स जरूर दसो क्यों गन्ना शन्ना चूप लिया क्यों थोड़ा उधर चलिए अपने गोड़ देखिए कि नहीं बनता पता की बन मजेदार है चूपन का भी मजा आ गया। साहब लगे हुए हैं अंकल लगाने आग शाग। अंकल जी कितना टाइम है? इधर आ गया जनाब गन्ना का जो होता है ना ऊपर वाला उसको बोलते हैं हम अपने जवान में चबाख, उनकी आग दिलाई आ रही है और इधर जनाब रोज ना वो गरम गरम हो रही है। अभी ये इसमें कुछ टाइम लगेगा उसके बाद फिर इसका जनाब वो गुड़ छुट बनना तैयार हो जाएगा ठीक है। इधर बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो कि गुड़ वगैरह भी साथ साथ देख रहे हैं साथ साथ बनाने में हेल्प कर रहे हैं। फ्रूक भाई बैठ चुके हैं, इधर जनाब बनी हुई है देसी जनाब जिसको हम बोलते हैं कुल्ली टाइप, ये साथ जना वो रखे उन्होंने छप्पड़ वगैरह भी जिसके अंदर डाल के नीचे कंडा शंडा यहाँ से गुड़ लोग लेके जा रहे हैं। तो बाकी तो हाँ जी फ्रूक भाई मैं कह रहे हैं देख लो गन्ना खत्म कर दे आखिरी पीस पता नहीं लगा और बुजुर्गो ठीक हो गुड़ छुड़ बना रहे हो फिर जनाब बंदा ताजा ताजा गुड़ ये देखें इसके अंदर डाल दी जा रही है साथ साथ जो ना वो रोश हो भी और इधर भी एक जो ना वो तीर से दो निशाने कर रहे हैं ये पूरा जो ना वो पट्ठा टाइप बनाया हुआ है और अभी थोड़ा सा जो ना वो टाइम और लगेगा तो अभी शाम भी हो गई है ठीक है तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। रोश हो गर्म हो रही है और देसी स्टाइल में ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਮੈਲ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧੂੜ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਦਾਂ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਅਦਾ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੋਸ਼ਟ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਧੂੜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਧੂੜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ इधर जनाब हमारा जो गुड़ है ना वो ऑलमोस्टली जो ना वो तैयार होने वाला है, थोड़ी ही देर बाद जो ना वो गुड़ तैयार हो जाएगा। आखिरी जो ना वो गुड़ के जो ना वो महल्ले जो ना वो नीचे उतार लिया गया ठीक है। अभी बारी है जनाब गुड़ को जो ना वो यहाँ पे डालने की, तो नवीद भाई ये थोड़ा थोड़ा सोडा जो ना उसके अंदर डाल रहे हैं और लाइट ना होने की वजह से ना हम लोग इधर ना गाड़ी की लाइटों से ना काम चलाएंगे, तो हरून भाई देख गया गाड़ी और इधर जनाब गुड़ लाइट नहीं है, लाइट ऑफ है, लाइट की वजह से तो ये सारा काम हो रहा है। ये थोड़ा सा सोडा डाला है इसको सफेद करने के लिए, देखिए माशाल्लाह गुड़ जो ना वो बहुत ही कमाल का बन रहा है, बहुत ही लेवल का सोडा डाला है माशाल्लाह से, देखें ये गुड़ जो ना वो किस तरह से तैयार हो रहा है, बहुत ही प्यारा जो ना इसका रंग भी आया और खुशबू जो आ रही है ना होए 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 कमाल हो गया, कमाल हो गया भाई के हाथ भी बहुत तेज सिस्टम चल रहे हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो चुका है, हर बंदा ये काम नहीं कर सकता। और अभी इसके अंदर डाल दिया गया, अभी यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे ये ठंडा होगा, फिर इसकी हम बनाएंगे चलेपड़ियाँ, इसको बोलते हैं चलेपड़ियाँ, गुड़ नहीं बनेगा चलेपड़ियाँ बनेंगी छक्के की शक्ल में, देखें चीज कैसे वाओ यम्मी। अच्छा बने बने और जल्दी भी ज़्यादा
क्या करे माशाल्लाह से। तो अभी जनाब इसकी हम लोग करेंगे जो ना कटाई शटाई चिलेपनी बनाएंगे कुछ इस तरह से। काफी देर वेट करने के बाद अभी जो ना वो गुड़ ठंडा हो गया, अभी इसकी बनेगी चिलेपनियां। ये तो साथ साथ खाई जा रहे हैं। ये इधर हम जो ना वो गुड़ ले आए हैं, भाई लोगों ने गुड़ जो ना वो हमें गिफ्ट कर दिया। तो ये देखे माशाल्लाह से चिलेपड़ियों वाला गुड़, हाय हाय। अच्छा यार गुड़ वगैरह ले के ना तो हम लोग आ चुके हैं बाहर, और रोड जो ना हम कच्चे ट्रैक से जा रहे हैं, यहाँ से होकर ना शाहपुर से होकर नाजुचक वाले साइड से, और बहुत ही मुश्किल से हम लोग इस टाइप पर पहुँचे हैं। और अभी रात का टाइम है तो बस अभी देखे सामने रास्ता कितना ख़राब है। अभी हम यहाँ से निकलना है मेन पे, नाजुचक से होकर ना फिर चलेंगे मेन पे।